गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमारे दो दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि हम दो और हमारे दो से राहुल गांधी का मतलब राहुल गांधी उनकी मम्मी और प्रियंका दीदी और रॉबर्ट वाड्रा जीजा से है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि कोरोना के बाद यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर कहा कि यह बजट खास इसलिए है क्योंकि कोरोना के बाद बजट आ रहा है, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में खर्च कटौती को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बजट में नहीं है। छतरपुर में शराब से 4 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है, रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पूरे गांव का सर्वे हो गया है। शराब पास के गांव यूपी के ठेके से लाई गई थी। प्रथम दृष्टिया सामने आया है कि शीतल अहिरवार जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी जिसके बाद से वे लगातार शराब पी रहे थे। लगातार शराब पीने से पहले पिता और फिर बेटे की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के बॉर्डर पर जहां से शराब की तस्करी होती है वहां पर चौकसी बढ़ाएंगे। ये बजट खास इसलिए भी है कि ये लॉकडाउन कोरोना के बाद आ रहा है और इतने बड़े आर्थिक अवरोधों के बाद एक सार्थक और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट लाया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दुखद है वो प्रसंग, 200 मीटर दूरी यूपी से जो प्रथम दृष्टया आया है, शराब के ठेके से आई थी, तो न तो वो माफिया वाली बात है न जहरीली शराब वाली बात प्रथम दृष्टया आ रही है। पोस्टमार्टम हो गए, बिसरा प्रिजर्व कर लिया है, सागर बिसरा भेज रहे हैं। पूरे गांव का सर्वे हो गया है, पूरे गांव का वो हो गया है। जो प्रथम दृष्टया आया था, जो शीतल अहिरवार था, उसकी पत्नी की मौत के बाद से लगातार 9 तारीख से ये लोग शराब पी रहे थे, जो शराब पास में उत्तर प्रदेश के ठेके से लाई गई थी। नॉन स्टॉप पी शराब, उसके कारण से पहले पिता पुत्र और बाद में बीमारी की हालत में 2 अन्य लोग, जो लला और गुलाब इनाम था, एक जयराम है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ऐसे ये 5 लोग हैं जो वहां पर उत्तर प्रदेश से ला के कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर के जिले जितने हैं वहां भी हम इस तरह की चौकसी बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।